नमस्ते फ्रेंड, इस टूटी हुई बाल्टी को देखकर आपको लगेगा कि इसका मैं क्या DIY करने वाली हूँ। जी हाँ फ्रेंड, लेकिन मैंने इसमें से बहुत ही अच्छी सी लॉन्ड्री बैग बनाई है। आपको यकीन ही नहीं होगा, आपको तो क्या घर के किसी को भी यकीन नहीं था जब मैंने इस टूटी हुई बाल्टी को कुछ DIY करने के लिए रख लिया तो उन्होंने बोला, अरे दिवाली में इसे तो निकाल दो, इसे क्यों रखा है। मैंने कहा नहीं, मैं इसमें से बहुत ही अच्छा से लॉन्ड्री बैग बनाने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैंने क्या किया कि जो फॉर्म शीट होती है, कई बार हमारे पास ये साड़ी में से कपड़ों में से निकलती है वो है, तो आप उसे भी लगा सकते हैं। उसे मैंने पहले चारों बाजू बाहर की बाजू फेविकोल की मदद से लपेट दिया है, फिर मैंने सेलो टेप से इसको लगा दी है। तो इस तरह की टेप लगाने से क्या है, ये काफ़ी मजबूत हो जाएगा। अंदर से आप देख सकते हैं कि अभी भी वो टूटा हुआ भाग आपको दिख रहा है, और ऊपर की साइड भी मैंने फिर से एक बार टेप लगा दी है, और ये बहुत ही जल्दी से ये हो जाएगा आपका काम। तो इसे बनाने में मुश्किल से मुझे आधा घंटे का टाइम लगा था। और फिर अंदर की बाजू मैंने पूरे में फेविकोल और थोड़ा सा पानी मिलाकर इसे अंदर पहले मैंने पूरे में लगा दिया है, और फिर मैंने इसमें एक अच्छा सा ये फैब्रिक को लगाया है। तो आप जो कपड़े का यूज़ करें वो अच्छा हो, सुंदर हो, शाइनिंग वाला हो, जिससे आपकी वस्तु जब बन के निकले तो बहुत प्यारी सी लगे। ऊपर से हमने जो साइज रखा है ना, अंदर जाते जाते ये बाल्टी थोड़ी छोटी होती जाती है, तो हमारा कपड़ा अंदर की बाजू से हमें इस तरह से इसमें जो है फ्लिट लेते जाइए, गेधर लेते जाइए, और आपका इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। अच्छी तरह से आप फेविकोल लगाइएगा। बीच का भाग जो खाली है ना, वहाँ पर भी मैंने इसी नाप का एक कपड़ा काट कर फेविकोल की मदद से चिपका दिया है। और इस तरह से देखिए, अंदर से हमारी बाल्टी को मैंने बिल्कुल ठीक कर दिया, ये एक्स्ट्रा है, इसे मैंने कट कर दिया है बाद में। और देखिए बाद में ये कितनी अच्छी तरह से हमारे अंदर से फिनिशिंग वाला तैयार हो गया। अब बाहर की साइड जब मुझे इसे तैयार करना था, तो मैंने इसे कुछ इस तरह से जो बाल्टी है उससे थोड़ा थोड़ा ज़्यादा रख कर इस तरह से इसकी नेफा पट्टी बना दी दोनों बाजू से। ऐसा मैंने इसीलिए किया है फ्रेंड्स कि बाद में हम जब भी इसे धोना चाहें तो हम इसे इतने भाग को निकाल कर धो सकते हैं। और ये सारा ही ऊपर के कपड़े को मैंने अंदर के साथ ही फेविकोल लगाया, बाकी के कपड़े को ऊपर की साइड यूँ रख कर मैंने एक इस पर नाड़ा बांध दिया था। और अब मैं इस तरह से कर लेने के बाद इसे चाहे सिल भी लिया था, और थोड़ा ज़्यादा रखा था मैंने, जिससे हम जब दोरी बनाए तो इसमें थोड़ा गिदरिंग भी आए। और इस तरह से मैंने इसमें दोरी डालकर इसे ऊपर की बाजू यहाँ पर मैंने इसे बांध दिया, और इस तरह बहुत ही प्यारी सी मेरी आप देखेंगे ना तो ये लॉन्ड्री बैग तैयार है। कुछ भी नहीं करना है, जब भी धोना है तो आप नीचे से इस भाग को धो सकते हैं बहुत आसान वे में। तो यहाँ पहले तो मैंने ऊपर से इस तरह से लगा दिया। इसे हर कोई बना सकता है, बिगनर भी बड़ी आसानी से इसे तैयार कर सकता है। अगर सिलाई मशीन नहीं है तो ये काम आप हाथ से सिलकर भी कर सकते हैं। और नीचे की बाजू भी देखिए फ्रेंड, मैंने कुछ इसी तरह से इसको थोड़ा ज़्यादा रखा था ना हमने, तो पूरी बाल्टी हमारी अच्छी तरह से कवरअप हो गई, और फिर नीचे से मैंने इस तरह से इसे नोट लगा दिए, और इस तरह से हमारा ये तैयार हो गया। रुके रुके अभी जाइएगा नहीं, अभी तो हम इसको बहुत ही अच्छी सी और तैयार करने वाले हैं। और देखिए अब इसके ऊपर मैं ढक्कन भी बना सकती थी, लेकिन मेरे पास इतना बड़ा कोई कार्डबोर्ड नहीं था, तो मैंने कपड़ा ले लिया है इससे ही मिलता जुलता, और ऊपर की बाजू मैंने नेफा पट्टी बनाई और नीचे से सिल लिया। अब सिंपली मैं फेविकोल की मदद से इसे इस तरह से लगा रही हूँ कि जो नेफा पट्टी वाला भाग है ना, इसे मैं ऊपर की बाजू रखना है, और ये वाला जो हमने सिला था उस भाग को सिंपली उसे नीचे रख कर इस तरह से मैं फेविकोल की मदद से चिपका रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर ग्लूगन की मदद का ले सकते हैं, या तो आप यहाँ फेविबॉन्ड से भी जोड़ सकते हैं। और फिर इधर मैंने दोरी डाल के इसे कंप्लीट कर दिया। अब ये और ज़्यादा फिनिशिंग वाला लगे इसीलिए मैंने फेविबॉन्ड लिया है, आप ग्लूगन फेविकोल कुछ भी ले सकते हैं। और इससे मैंने यहाँ पर एक और लेस, डेकोरेटेड लेस इसमें लगा दिए, और देखिए कितनी प्यारी सी मेरी ये आप लॉन्ड्री बैग बोल सकते हैं, बहुत ही प्यारी सी मेरी बिल्कुल जीरो कॉस्ट तैयार हो गई। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम तो कुछ ऐसे ही जुगाड़ू आइडिया से बनाते रहते हैं। और फ्रेंड्स, जब मैंने घर में ये वाली बाल्टी देखी ना, तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही टूटी हुई बाल्टी है जिसका हमने इस तरह से चेंज कर दिया है। और मेरी डॉटर इन लोग को तो ये इतना पसंद आया कि वो बोले, मम्मी आपने तो इसको बिल्कुल नया सा बना दिया है, बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि ये वही वाली बाल्टी है। सचमुच में घर में सबको बहुत ही अच्छी लगी। फ्रेंड्स, घर में से डिक्लटरिंग करने से पहले आप इस तरह से वस्तुओं का फिर से अगर रीयूज़ कर सकते हैं तो ज़रूर से उसे रीयूज़ कीजिए, और अपने घर को आप बिल्कुल नया सा लुक बिल्कुल जीरो कॉस्ट दे सकते हैं। इस तरह की मार्केट में काफ़ी कॉस्टली जो चीज़ें मिलती हैं उसे आप घर पे बिल्कुल जीरो कॉस्ट तैयार कर सकते हैं। मिलते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।